हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग ग्रेट, मस्त मज़े में. सो मैं अपने मम्मी पापा के घर पे आ गई हूँ एंड अभी मम्मी ठीक है. मम्मी को देखा है तो अच्छा लग रहा है सामने से देखकर, और अभी थोड़ा टेंशन भी कम हो गया है कि टेंशन थी ना कि कितना चोट लग गया होगा कि क्या है, बट अभी तो वो काफ़ी ठीक हैं. और बस पैर में जो फ्रैक्चर आया हुआ है ना, वो बस प्रॉब्लम कर रहा है उनको, थोड़ा सा पेन है पैर में और अभी रिकवर हो जाएंगे धीरे धीरे. तो हम मेरे घर के जस्ट पीछे, सोसाइटी के जस्ट पीछे एक डैम है, तो हम जस्ट शाम के टाइम, शाम हो रहा है अभी, थोड़ा सा 10-15 आधे घंटे में हम निकलने वाले हैं वहाँ के लिए. मैं अभी और मेरा छोटा भाई, हम तीनों जाएँगे. सो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है ये वाली साड़ी पहनूँगी मैं अभी. एंड वहाँ जाने का पर्पस ये है ना कि सनसेट होते हुए देखना ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है और बहुत अच्छा लगता है. वहाँ पर बैठ के पानी जा रहा है और वहाँ बैठ के फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाओ, बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से. तो वहाँ एक घंटे के लिए हम लोग जाएंगे और इवनिंग के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं. यहाँ पर एक डैम है एंड जस्ट बैठने जा रहे हैं, थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करेंगे. सो लेट्स गो. अब इधर से दीजा, अपने को लेफ्ट टर्न लेना होगा, अंदर की साइड में लेफ्ट टर्न. हाँ लेफ्ट टर्न, आगे होगा ना. ये रही रहा, ये गाड़ियाँ ऊपर से जैसे दिख रही है इधर से ही है. वो देखो वो स्कूटी निकली ना, बस यही बस स्लो कर दो, यहीं से टर्न लेना है. डैम और सूरज कितना जल्दी यार इस साइड आ गया, उधर था और इधर आ गया एकदम से, सनसेट होने का टाइम पे आ गया यार, बहुत लेट हो गया. इट्स अ लव पॉइंट, इट्स अ लव पॉइंट. देखो वो उधर खंभा गाड़ दिया, कैसे पर जाएगा गाड़ी? अरे तो चले जाएगा, पता नहीं क्या क्या वो तो पटांग करते रहते हैं हर चीजें. ओ भैया, नहीं नहीं निकल निकल जाएगा, निकल दबो दबो दबो, अगर सीधा करके निकलो. फिर टर्न कैसे लेंगे? यहाँ पर टर्न लेने का है रास्ता, सीधा निकल जाएंगे. सीधा बहुत मुश्किल है. नहीं है बहुत मुश्किल. अरे वो तो बहुत खबड़ खड़बड़ रास्ता है, तू गया सीधा से? अरे इस पे घूम जाएगा. अरे मैं गई हूँ बेटा, हम लोग एक घंटा तक भटके थे. आई एम हियर बस. चलो मैं से ज्यादा दूर कहाँ जाओगे, बस यही रुक. नहीं नहीं आगे मस्त डैम, पूरा बीच में पुल जॉइन. ये गाड़ी वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं हम. हाँ हम लोग का
काफी लेट आए थे सो बहुत जल्दी सनसेट भी हो गया, अब निकल रहे 7:30 बज रहा है एंड फोटोज क्लिक करवाए। दैट्स इट, यहाँ से हमने सीधा सोसाइटी जा रहे हैं, वहाँ पर स्कॉन टेम्पल है, वहाँ पर पहले दर्शन करेंगे फिर घर जाएंगे। घर जस्ट सोसाइटी के अंदर ही है मंदिर, तो 2 मिनट का भी यू नो डिस्टेंस नहीं है। सीढ़ी से हाँ जो दिख रहा है ना आपको, यही स्कॉन टेम्पल था। अब यहाँ से हम सोसाइटी के अंदर, वैसे गाड़ी हमने बाहर साइड पार्क करी थी, फिर अब सोसाइटी के अंदर से घर जा रहे हैं। अभी पहली बार स्कॉन टेम्पल में गए थे, हम बैठे रहे 1 घंटे जैसा, देन हम घर आ गए। लो प्रसाद लो, टिक्का लगा ना? क्यों? मना कर रहे। नहीं खाओगे ना? बहुत पसंद आया, सबको खिलाया। पापा ऑफिस से आते आते सबके लिए दाबेली लेकर आए थे, बिकॉज अभी लव्स दाबेली, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम दाबेली खाते खाते जस्ट डिस्कस कर रहे थे, पापा बोल रहे थे अगर यहाँ पर हम यूपी में अगर यहाँ की दाबेली बेचे तो कैसे चलेगा। तो अभी बता दे कि नहीं, बहुत अच्छे से चलेगा, और मैं भी बता दे कि दाबेली काफ़ी लोगों को पसंद है वहाँ पर। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।